नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, सुप्रीम कमेटी के 17वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रॉयल ओमान पुलिस के ब्रिगेडियर अल आसमी ने बताया है कि उन एक्सपेक्ट भाइयों को ओमान में आने की अनुमति नहीं है जिनका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। केवल उन्हीं को परमिशन दी जा रही है जिनका जो रेजिडेंस वीज़ा है, उन फैमिलीज़ को अलाउ किया जा रहा है जिनका रेजिडेंस वीज़ा वैलिड है, वो ओमान में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ओमान में जो कोविड-19 का जो एकदम कोहराम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसको तत्काल रोकने के लिए सुप्रीम कमेटी ने इस समय रात्रि लॉकडाउन कर दिया है। फ्रेंड्स, रॉयल ओमान पुलिस के मेजर ने ये भी बताया है कि वर्तमान में जो नए वीज़ा सेंटर हैं, या ऑनलाइन हो या फिर वीज़ा ऑफिसेस हो, कोई भी वीज़ा अभी जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि कोविड-19 अपने कंट्रोल में ना आ जाए। किसी भी प्रकार का वीज़ा अभी नहीं जारी किया जाएगा। ओमान समाचार एजेंसी के द्वारा जारी किए गए बयान में बताया गया है कि संस्कृति, खेल और युवा मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीम की गतिविधियों को निलंबित कर दिया, यानी कि कोई भी जो ओमान की राष्ट्रीय टीमें हैं, फुटबॉल वगैरह हैं, इन खेलों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि इनकी जो फुटबॉल प्रैक्टिस थी उसको ओपन किया गया था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए इन गतिविधियों को भी बंद कर दिया गया है। 15 अक्टूबर से बंद रहेंगी ये गतिविधियाँ जब तक कि अगली सूचना, जो खेल मंत्रालय की तरफ से कोई सूचना जब तक जारी नहीं होती है। फ्रेंड्स, ओमान की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इस समय हाउसफुल चल रही हैं। जो बेड की जो उपलब्धता है, आपको पता होगा कि फील्ड अस्पतालों का निर्माण 2-2 महीने में रेडी किया गया है ताकि जो मरीजों का इलाज समुचित तरीके से हो जाए, लेकिन वो फील्ड अस्पताल भी धीरे धीरे भर रहे हैं। फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब कोरोना हमारे जो कंट्रोल से बाहर हो रहा है, जिसके लिए जो गतिविधियां हैं, जो नाइट कर्फ्यू है, तरह तरह के जो रूल्स हैं उसको लगाए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट नागरिकों से अपील कर रही है कि कहीं भी आपको जो मीटिंग है, जो सोशल गैदरिंग है, 4 लोग 10 लोग 20 लोग इकट्ठा दिखें, तो आपकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि आप रॉयल ओमान पुलिस को ये सूचित करें। क्योंकि फ्रेंड देखिए, आप सुरक्षित हैं, आप घर में सुरक्षित हैं, लेकिन यदि कोई और 20 लोग 50 लोग मीटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कोविड-19 का जो संक्रमण है उसको समाज में फैला रहे हैं। आज नहीं तो कल वो संक्रमण आप तक भी पहुंच जाएगा। तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी आपको सोशल गैदरिंग दिखती है, मीटिंग दिखती है कि 100-150 लोग इकट्ठा हैं, तो आप रॉयल ओमान पुलिस को अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझते हुए उनको सूचित कीजिए। फ्रेंड्स, अगले न्यूज़ की बात करें तो ओमान की एक जो अदालत है, उन्होंने 72 लोगों के खिलाफ सर्वोच्च समिति के फैसलों का उल्लंघन करने के आरोप में प्रति व्यक्ति 500 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाया है। ये लोग 25 सितंबर को एक खेत में, फ्रेंड्स, मीटिंग कर रहे थे कि सोशल गैदरिंग कर रहे थे, जिसके आरोप में जो कोर्ट है उन्होंने सख्त फैसला लिया है कि जितने भी जो लोग हैं, 72 लोग, प्रति व्यक्ति 500 ओमानी रियाल जल्द से जल्द कोर्ट में जमा कराएं। फ्रेंड्स, घर में रहिए, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन है उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि आप और आपका समाज और आपका जो देश है वो कोविड-19 से सुरक्षित रहे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आपको यहीं मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।